हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फेज बी योर बेटर सेल्फ। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो हमारी मैट की वीडियो आई थी, जिसमें मैंने आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो मैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, कितनी परसेंटाइल चाहिए होती है, कितनी फीस है, क्या उनका एवरेज पैकेज है, वो वीडियो शेयर की थी। एंड उसमें मैंने बोला था कि हम जल्द ही सिलेबस पैटर्न की वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं मैट का क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो दिए हुए आई बटन पर लिंक दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो फटाफट से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम फिर से बात कर लेते हैं मैट एग्जाम की, कि क्या क्या है, कितने मोड में होता है मैट एग्जाम, कौन कराता है इसको। ठीक है, तो मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। 600 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया जो इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। बट येस, उसमें टॉप के कॉलेजेस एंड देन मतलब 80-100 में कुछ 20-30 कॉलेजेस हैं जो 80-100 में जो अच्छा एवरेज पैकेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप 7-8 प्लस का पैकेज देख रहे हैं एवरेज पैकेज, तो आप उन टॉप के 20 कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू मैट स्कोर। मतलब वो बाकी के स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे सी मैट, कैट, जैट मैट, लेकिन वो मैट के भी करते हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट मैंने आई बटन पे दिए जो लिंक है उसमें वो सब कुछ मेंशन है, आप वहां जाकर के उसको रेफर कर सकते हैं। ये जो है एग्जाम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एमा करवाता है। एंड ये एग्जाम तीन मोड में होता है, आईबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड, पेपर बेस्ड मोड। आईबीटी मोड होता है इंटरनेट बेस्ड मोड, मतलब आप एक विंडो दे दी जाती है 1 वीक से 1 मंथ की, एंड उस विंडो में आपका एग्जाम कभी भी किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, आप घर पे बैठ के दे सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम जो है मैट का 4 बार होता है पूरे साल में, फेब में, मे में, सेप्टेम्बर में, डिसम्बर में। 11 फेब्रवरी से 25 फेब्रवरी तक की आईबीटी मोड की एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो 11 से 25 के बीच में आईबीटी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया होगा वो लोग पेपर देंगे, एंड देन कुछ दिनों के बाद बीच में सीबीटी मोड भी है एंड पीबीटी मोड भी है। तो मतलब मार्च तक, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक फेब वाला तो खत्म हो जाएगा, तो आप आगे का मई, सितंबर, दिसंबर वाला टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मई वाला कर सकते हैं अगर आप इसी सेशन में चाहते हैं कि आपका इसी साल एडमिशन हो जाए, तो आप मई वाला दे सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी की है तो भी आप ये मैट का एग्जाम अच्छे से एस कर सकते हैं, अच्छा स्कोर आप इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आप जब इसका फॉर्म भरेंगे तो जैसे एनमैट का, अगर बहुत से लोगों ने एनमैट का फॉर्म भी भरा होगा जो नारसी मुंजी के लिए होता है मोस्टली, ठीक है, बट उसको उसका स्कोर कुछ और भी इंस्टीट्यूट है जो एक्सेप्ट करते हैं। तो सिमिलरली जब आप मैट का फॉर्म भरेंगे तो भरते वक्त आप 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स कि उन कॉलेजेस के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वहाँ पर उन कॉलेज, जब आप मैट का फॉर्म भरेंगे तब उन कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए, मैक्सिमम आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपका मैट का जो स्कोर कार्ड उन कॉलेजेस के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बट येस, बिफोर अप्लाइंग चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, कि आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप फॉल करते हैं तो ओनली देन आप अप्लाई कीजिएगा, वरना अगर नहीं करते और आपने अप्लाई कर दिया देन ऑल्सो आपको वहाँ से कॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो एक है हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया एंड एक हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में है कि येस आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री CA, CS, ICWA का होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, परसेंटेज बहुत से एग्जाम्स हैं MBA एंट्रेंस के लिए, जिसमें जैसे कैट का एग्जाम है उसमें आपका 50% मिनिमम ग्रेजुएशन मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, बट मैट को अप्लाई करने के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई। फिर है एज क्राइटेरिया, तो एज का तो देखिए MBA एंट्रेंस एग्जाम में कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आप कभी तक भी MBA कर सकते हैं, तो फॉर्म में भी नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ज़्यादा होता है एज का इशू। वर्क एक्स में भी कोई मैंडेटरी नहीं है, बट येस आई डू एग्री, जिसको वर्क एक्स होता है, जिनके पास है एक्सपीरियंस 2 साल का 3 साल का, तो उनको हमेशा एक एज होता है। ज़रूरत से ज़्यादा वर्क एक्स होता है, अगर मान लो कोई 8-9 साल का वर्क एक्स लेके बैठा है तो भी उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको प्रेफरेंस सेम ही कोर्स के लिए, अगर फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सेम ही कोर्स के लिए 8-9 साल का कर रहा है, तो कंपैरेटिवली कई बार फ्रेशर को भी प्रेफरेंस दी जाती है उस केस में, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि यार वर्क एक्स वालों को मोल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, एंड उनके लिए फिर वैसे भी कोर्स अलग ही होते हैं, जैसे PGPM वगैरह के कोर्सेज होते हैं जो वर्क एक्स रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
तो यस, कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास है 1 साल का 2 साल का 3 साल का वर्क एक्स, तो एक एज हमेशा होगा आपके सिलेक्शन में। फिर अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो कोई अटेम्प्ट नहीं है। मैट का एग्जाम जैसे साल में 4 बार होता है, तो आप चारों अटेम्प्ट दे सकते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से वाले सेशन में लेना चाहते हो, तो आप कौन सा स्कोर कार्ड लगाना चाहते हो, ठीक है। तो वो कॉलेजेस में आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फिर नाउ बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कितने सेक्शंस हैं इसमें। मैथ के एग्जाम में आते हैं 5 सेक्शंस। सेक्शंस हैं मैथ्स का, ठीक है, एक रीजनिंग का है जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, लैंग्वेज का है, इंग्लिश का जो होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब इट्स लाइक कि अगर आपने बहुत से और भी एग्जाम की तैयारी की है, इनफैक्ट अगर आपने बैंकिंग के एग्जाम की भी कभी तैयारी की है, तो उसमें मैथ्स में ही डीआई का एक सेक्शन होता है, पर इसमें मैथ्स अलग है, डीआई अलग है, ठीक है। एंड या फिर हम जैसे कैट की बात करें, अगर आपने कैट की तैयारी की है, तो LRDI में LR एंड DI मिक्स आता है, तो यहाँ पर LR अलग है, DI अलग है, बट है वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब अगर हमने किसी के एग्जाम की तैयारी की भी है इन द पास्ट, तो भी ये सब आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, इट्स मोर ओवर GK। सिलेबस में क्या क्या आता है इसके, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कितने कौन मोड में पेपर होता है। देन बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट्स का। 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, एंड आपको +1 मार्क मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर, विच मीन्स कि 200 क्वेश्चंस हैं तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 200 मार्क्स का, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25, तो हर गलत आंसर पर आपका 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। देन है इसका सेक्शन वाइज स्ट्रक्चर है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हर सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन है। एंड दिस इज सो गुड, नो सेक्शनल लिमिट, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, यू कैन शफल बिटवीन दी सेक्शंस। कि अगर आपको पहले लग रहा है कि मुझे मैथ्स करना है, तो आप फटाफट से मैथ्स कर लो, किसी क्वेश्चन में अटक गए हो, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप इंग्लिश करना चाहते हो फिर इंग्लिश कर लो, देन वापस से आप मैथ्स पर आ सकते हो, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। 150 मिनट्स में आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मॉक दीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह लीजिए, एंड वहाँ से प्रिपेयर कीजिए, लास्ट ईयर के पेपर्स दो, सैम्पल पेपर दो, उनसे प्रैक्टिस करो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की हुई है, तो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन मैथ पेपर। अब इसका फटाफट से सेक्शन वाइज सिलेबस देख लेते हैं। अगर मैं मैथ के सिलेबस की बात करूँ, तो उसमें देखिए परसेंटेज, SICI, PNC प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, HCF, LCM, नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, एवरेज, एवरेज के साथ इसमें एज भी आ सकता है, एजेस एंड एवरेजेस, ठीक है, एंड क्लॉक, कैलेंडर, पार्टनरशिप, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो हम अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, थोड़े बहुत अलजेब्रा वगैरह भी आप एक बार कर्सरी ग्लैंस देख कर जाइएगा, फॉर्मूले वगैरह। तो कैट के सिलेबस, सी मैट के सिलेबस, इनमें से किसी से कुछ अलग नहीं है, सी मैट में, कैट में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम सही है, ठीक है। बैंकिंग हो, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करो, अगेन मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ इसी बात पे, तो प्लस माइनस वही सब रहता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिफिकल्टी लेवल, कि सिलेबस में फ़र्क नहीं होता, डिफिकल्टी लेवल में फ़र्क कर दिया जाता है, ठीक है। जिसमें देखिए 40-50% क्वेश्चन जो है वो अर्थमैटिक बेस्ड टॉपिक, अर्थमैटिक बेस्ड टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, PSD, SICI, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, HCF, LCM, एजेस, एवरेजेस, पार्टनरशिप, ये सारे रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब होते हैं जो अर्थमैटिक बेस्ड टॉपिक होते हैं, एंड बाकी के अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब से आते हैं, ठीक है। तो यानी 50% ये पार्ट होगा, 50% वो पार्ट होगा, तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा होल्ड किस सेक्शन पर है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिएगा, जो स्ट्रेंथ है वहाँ से कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में है वोकैबलरी बेस्ड, वोकैब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वोकैब पे फोकस कीजिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। आप कैसे कर सकते हैं इसको बेटर, सबसे बेस्ट तरीका है रीड एनीथिंग, लाइक आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िए, एंड वो कैब के लिए बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। अगर आप
मॉक्स वगैरह देते हैं, तो मॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डू रिवाइज देम। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। बाकी मैं डिटेल आपको लास्ट में जरूर बताऊंगी कि आपको उन मॉक्स में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं, सेंटर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, एरर फाइंडिंग, एनालॉजीज एंड दिस सेंटेंस कंप्लीशन, वही सब सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो ये लैंग्वेज का वर्बल का सेक्शन होता है बहुत आसान सेक्शन होता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट येस, आपको वोकैब एंड ग्रामर उन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर एज इन की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, नाउन क्या होते हैं, अगर इन पे कमांड होगी तो यू बी थ्रू विद दिस सेक्शन। ठीक है, दो आरसी आएंगे इसमें, पांच पांच क्वेश्चंस के ईच, तो 40 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आरसी के हो गए एंड बाकी 30 क्वेश्चंस रेस्ट होंगे। ठीक है, अब डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी में देखते हैं। अब डीआई में क्या होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, ये सब तो क्वेश्चंस होते हैं डीआई से रिलेटेड, राइट। पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, टेबल वाला आ जाता है हमारा, ठीक है, लाइन ग्राफ हो गया, केस लिस्ट की फॉर्म में दे देता है या फिर पजल्स की फॉर्म में दे देता है उसको, जैसे हम बहुत सारी पजल सॉल्व करते हैं। डेटा कंपैरिजन हो गया, जैसे टेबल में कोई डेटा कंपेयर करने को दे दिया। अच्छा, अब क्योंकि ये सिर्फ डीआई नहीं है, डीएस भी है, तो डेटा सफिशिएंसी जिसमें पूछते हैं कि अच्छा भाई कौन से ऑप्शन से लग रहा है कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में डेटा सफिशिएंट है, सेकंड में सफिशिएंट है, दोनों में मिला करके सफिशिएंट है, किसी से भी सफिशिएंट नहीं है, कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड मल्टीपल ग्राफ वाले क्वेश्चन भी देगा कि एक ही आपको चार्ट में एक या दो चीज़ें दे देगा ग्राफ के लिए एंड आपको उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डी आई एंड डी एस। चार से पांच डी आई के सेट आते हैं मैट में, पांच पांच क्वेश्चंस के, तो अगर पांच सेट भी है तो 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपके डी आई के आएंगे एंड 15 क्वेश्चन के करीब आपके सफिशियंसी के आएंगे। तो 15 से 20 डेटा सफिशियंसी के आएंगे एंड 20 से 25 आपके डी आई के आएंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ इसका कोई फिक्स फॉर्मूला तो होता नहीं है, देखिए डी आई डी एस का। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही है इसके लिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एज मेनी मॉक्स एज यू कैन टेक वो लीजिए, परसेंटेज की, नंबर की, रेशियो प्रोपोर्शन की, इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, डिटेल में भी मैं इन सबके बारे में बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी सब बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड यू विल गेट बोर्ड, तो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, फटाफट चलिए बस खत्म कर लेते हैं क्या क्या है, बस थोड़ा ही रह गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बियर और कर लीजिए। बात करते हैं हम क्रिटिकल रीजनिंग की, जो एला सेक्शन हम बोलते हैं। ये जो सेक्शन होता है थोड़ा ट्रिकी होता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ मी मोस्ट फेवरेट सेक्शन ऑफ माइन, क्योंकि इसमें मतलब जल्दी क्लिक होता है। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्लिक होते हैं तो फटाफट क्लिक होता है, नहीं होते तो भी उस मोमेंट पे फिर बहुत लंबा टाइम ले लोगे आप, नहीं होंगे, बट थोड़ा सा भी अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया है ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं इनके क्वेश्चन, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजीज, और बहुत मतलब कंपैरेटिवली आसान ही होता है, ट्रिकी ज़रूर होता है, बट दैट डजंट मीन कि डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपको ट्रिक खेलना, थोड़ा यू नो ड्रिल डाउन करना अच्छा लगता है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा लगता है, तो यू विल एंजॉय दिस सेक्शन। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। एंड लास्टली हम बात कर लेते हैं जीके की। जीके में जो हमारा मेजर आता है, ज़्यादातर 50% वेटेज और मोर देन दैट इनफैक्ट अभी करंट अफेयर्स आएगा। अभी करंट में न्यूज़ में क्या चल रहा है, यू शुड नो अबाउट दिस। जैसे अभी बजट आया है, आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए, वो इकोनॉमी से आपका पूरा रिलेटेड है, बिजनेस से भी रिलेटेड है। ठीक है, अदानी वगैरह के साथ क्या चल रहा है, तो शेयर्स है, शेयर्स में IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, यू शुड नो अबाउट दिस। साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में प्राइजेस में, जैसे अभी हमें रिपब्लिकन अवार्ड्स मिला है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, वो सब वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं। ठीक है, कौन सी फलाना चीज़ कहाँ पर हुई है, ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं, किसको क्या मिला है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन ग्लोबल एनवायरमेंट। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ अवेलेबल एट 50% डिस्काउंट। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता इतने प्राइस पे आपको सी मैट एंड मैट की टेस्ट सीरीज विद दीज मेनी मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, सेक्शनल टेस्ट एंड एवरीथिंग अवेलेबल कराएगा। तो अगर आप सी मैट एंड मैट दोनों ही टारगेट कर रहे हैं तो दिस वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, एंड आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपने इन्जॉय की, आपको अच्छा लगा है एंड यू वॉन्ट अस टू कीप यू अपडेटेड, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली वीडियो में विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप पेसिंग योर सेल्फ। बाय बाय।